नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज से कुछ दिन पहले आपका MDL का आपका अपेंडिसिप का भर्ती देखने को आया था, जिसका आपका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का 21 जुलाई रखा गया था। कितना? 21 जुलाई रखा गया था। और बात करें टोटल पोस्ट की तो 442 पोस्ट पर आपका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। और सबसे बड़ी बात ये थी MDL अपेंडिसिप की कि इसमें आपके टेंथ, चाहे आप टेंथ के थे या फिर ट्वेल्थ के या फिर ITI के, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया था अपेंडिसिप करने का MDL से। ठीक है, तो और फाइनली उसका मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिक कर दिया गया है MDL की तरफ से। तो सब चलिए सबसे पहले चलेंगे इसके ऑफिशियल साइट पे, तो मैं हूँ, और इसका नोटिफिकेशन जो आपको डाउनलोड करना है इसके ऑफिशियल साइट पे आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शिप बिल्डर लिमिटेड का जो ऑफिशियल साइट है डॉक शिप बिल्डर का, वहाँ पे आकर आप इसके ऑफिशियल साइट कैरियर ऑप्शन पे जाके आपको इसका मेरिट लिस्ट जो है उसको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा हमारा, जिसमें आप कनेक्ट होकर अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे शेयर कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे 100% मिलेगा, क्योंकि आपके तरह और भी बहुत कैंडिडेट वहाँ जुड़े हुए। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे आपका नोटिफिकेशन मेरिट जो रिलीज किया गया है MDL की तरफ से, उसका नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं। और एक बात सबसे जरूरी मैं आपको बता देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, कि बहुत कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है उनको फिर से दोबारा भी मौका दिया गया है कि वो अपना जो रिजेक्ट का जो रीज़न है, अगर वो उसे आप सुधार लेते हो एक सर्टेन क्रिटेरिया, एक सर्टेन डेट के अनुसार, तो आपको फिर से यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरिट लिस्ट पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कि ग्रुप ए का बात करेंगे, जिसमें आपके टेंथ सिंपल टेंथ पास वाले लोग अप्लाई किए थे। कि डिक्लेरेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी लिस्ट, माजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का जो अपेंडिसिप का मेरिट लिस्ट है वो फाइनली पब्लिक कर दिया गया, जो 442 पोस्ट पर इसकी भर्ती निकाली गई थी, जिसका लास्ट डेट का बात करें तो 21 जुलाई को इसका लास्ट डेट देखा गया था। आई थिंक आप सभी लोग ने फॉर्म जरूर भरा होगा। तो चलिए आप देखते हैं आगे बढ़कर कि क्या क्या आपको बताया गया है और किस तरह से जो लोग रिजेक्ट है वो लोग अपना गलती को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ऑल द एप्लीकेंट आर इन्फॉर्म दैट द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेड अपेंडिसिप सेलेक्शन ईयर 22 अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 इज डिक्लाइड एंड एनक्लोज हेयर विल। उसके बाद आपको सेम यहाँ पे हिंदी में दिया है कि अगोत्र घोषणा किए गए आवेदक दिनांक 12 अगस्त 2022 शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक अपात्रता के संबंध में जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, ईमेल आईडी आप इतना पे ईमेल आईडी कर सकते हो या नंबर आपको दिया गया है संपर्क कर सकते हो किसी भी अन्य जानकारी के लिए। यहाँ पे देखिए नॉट एलिजिबल एप्लीकेंट कैन सबमिट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय 12 अगस्त। जो लोग भी यहाँ पे नॉट एलिजिबल हो गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनके विषय में बताया गया है कि आप अगर जो भी, चाहे मान लीजिए अगर आपने ITI से बिलोंग करते हो या फिर आप टेंथ से बिलोंग करते हो, तो आपने टेंथ का मार्कशीट अगर नहीं जमा किया है तो आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। टेंथ का एडमिट कार्ड नहीं जमा किया है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है, तो अगर इस तरह का आप कोई भी मिस्टेक किए हो तो आप सीधे आपको यहाँ पे MDL के अपेंडिसिप में रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती को सुधारने का आपको मौका दिया गया है। क्या आप अपना नाम के, मैं अभी बताऊंगा आगे आपको चलकर कि आप जिस भी गलती किए हो वो अगर गलती सुधारना आपको, तो इस ईमेल आईडी पर जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया है वो डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर देनी है। ठीक है, और बात करते हैं कि परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जानकारी केवल आवेदकों को दिनांक 12 अगस्त तक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका। यहाँ पर आ गए हैं सीरियल हम मेरिट लिस्ट पर, सीरियल नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, कैटेगरी और आपका एप्लीकेशन स्टेटस, या एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। और अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसमें रीज़न क्या है? देखिए सबसे पहले 3 नंबर कैंडिडेट का बात करते हैं जिसमें मेल पर्सन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट एलिजिबल और रिजेक्टेड। रीज़न क्या दिया हुआ है? रीज़न देखिए, इन SBC अप्लाइड इन SC वेयर नो फीस पेड हैंस रिजेक्टेड। इन्होंने फीस पेड नहीं किया है तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसी तरह छोटे छोटे कारण के वजह से बहुत लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ देखिए, ITI कैंडिडेट नॉट अलाउड इन ग्रुप ए हैंस रिजेक्टेड। और देखिए बहुत लोग क्या किए हैं कि ग्रुप ए में भी अप्लाई कर दिए हैं, बी में भी अप्लाई कर दिए हैं, सी में भी अप्लाई कर दिए हैं, इसीलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। आप सिर्फ एक बार में एक ही ग्रुप में अप्लाई कर सकते थे, चाहे ए में अप्लाई करिए, बी में अप्लाई करिए या फिर सी में। तो बहुत लोग एक साथ बहुत अप्लाई कर दिए हैं सभी ग्रुप में, इसीलिए उन्हें
रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ देखिए, फीस ट्रांजेक्शन आईडी नॉट गिवन बाय द कैंडिडेट एंड अदर डिटेल नॉट मैच विथ दी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो फीस का आईडी है वो इन्होंने सबमिट नहीं किया था, जिसके कारण ही रिजेक्ट कर दिया गया। और बाकी बात करें कि कितने लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया, तो डायरेक्ट हम चलते हैं मेरिट के लास्ट पेज पे और आप लोग देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। हालांकि बहुत लंबा लिस्ट आपको टोटल 90 पेज का पीडीएफ है जहाँ पे देखने को मिल रहा है, और अच्छे खासे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। और शॉर्टलिस्टेड का नंबर ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि जो रिजेक्शन वाले कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे बता दिया गया है कि किन कारणों की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है इसी मेरिट में। तो बात करें 1412 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आप चलिए देख लेते हैं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उससे पहले एक बार अपर नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे कि आपको कब और क्या क्या यहाँ पे करना है, तो सब कुछ यहाँ पे बता दिया। एक दो उसके बाद तीन नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था। चलिए अब देखते हैं ग्रुप जो बी का नोटिफिकेशन वो देखिए। बी का नोटिफिकेशन जो ITI पास वालों के लिए था, ठीक है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिक कर दिया गया था। सेम आपको सब में ही बोला गया कि 12 अगस्त तक आपको ये जो कोई भी आपने जो गलती किए हैं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, वो अपना देख लेंगे रिलेवेंट कि वो क्या गलती की है, और इस ईमेल आईडी पे अपना क्वेरी जो है भेज सकते हैं या फिर इस नंबर पे संपर्क करके भी अपना सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो ये सारे काम जो है आपको करना है सारा में, चाहे आप 8 का बात करो या फिर आप 10th अप्लाई पर बात करो या फिर ITI पर बात करो, सारा का जो यहाँ पर जो रिजेक्शन का जो रीज़न है, वो जो अप्लाई करने का रीज़न है, वो सेम आपको देखने को मिलेगा। मेरिट लिस्ट का बात करते हैं, तो मेरिट लिस्ट में आपको देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, कैटेगरी, स्टेटस और रिमार्क, रिजेक्शन का आपका क्या मतलब क्या आपने नहीं सबमिट किया था। यहाँ पर देखिए इनका रिजेक्शन का पहला रिजेक्शन देख लीजिए कि ओवर एज हैंस रिजेक्टेड, इनका जो एज है वो ओवर हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। और जो कैंडिडेट रिजेक्ट है तो उन्हें मैं पहले ही बता दिया हूँ कि क्या करना है। टोटल सिलेक्शन का बात करें तो इनका 165 पेज का PDF यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज ऑफ नंबर का कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, टोटल बात करें तो 2149 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, वैकेंसी कितना है 442 है सिर्फ, और 2149 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया। अब चलिए लास्ट जो बचते हैं ग्रुप सी, उसका भी हम लोग देख लेते हैं और उसमें क्या क्या आपके कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वो भी देख लीजिए। ये एट पास का मेरिट लिस्ट है जो आपका MDL की तरफ से रिलीज़ किया गया। तो हम लोगों ने सारा देख लिया, 8 का, 10th का और ITI का। और जो रिजेक्शन का जो आपने रिजेक्ट का जो रिजेक्ट कैंडिडेट का जो रीज़न है अपने सबमिट करने का, वो सेम ईमेल आईडी पे आपको करनी है। एक बार फिर से देख लीजिए कि इस ईमेल आईडी पे आपको 12 तारीख से पहले अपना रिजेक्शन का जो भी आपको वहाँ पे मांगा गया, जिस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो ईमेल आईडी। बात करें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का, फीस रिजिप्ट का या फिर मार्कशीट का, आप इस ईमेल आईडी पे सबमिट कर सकते हो, तो आपका एडमिट कार्ड जरूर से जरूर रिलीज़ किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट का बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना है, पर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं, 223 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग भी चैनल पर हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तब तक